I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब उसका चार्ज लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। मैं हूं जुनेद गुजर और आज के व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा अपनी ड्यूटी के बारे में। मैं जैसा कि असिस्टेंट ड्राइवर हूं और हमारी ड्यूटी है ट्रेन वर्क करना। आज के दिन मुझे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आया तो कॉल आई कि भाई आज हम आपकी ड्यूटी लगाएंगे एक डेड इंजन पर। तो डेड इंजन की ड्यूटी होती है ना, वो बाहर देखने में बड़ी मज़े की और कुछ काम करने को नहीं, फारिक बैठने की होती है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। एक ऐसे इंजन का चार्ज हमारे पास होता है कि जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है और फॉल्ट की वजह से वो इंजन स्टार्ट नहीं करते और वो जिस शेड का इंजन होता है वो उसी शेड में भेजा जाता है। तो आज के दिन जिस पावर की अब मुझे चार्ज लिया है, चार्ज मिला है, जिस पे ड्यूटी मेरी लगी है, वो है ZCU30। और गाड़ी जो है जिसमें ये डेड इंजन अटैच है वो NLC की गाड़ी है। NLC की पावर है 7225 और गाड़ी का नाम है KPPA8 और मेरे पास जो पावर है वो ये शायद किसी मेल से फेल हुआ है। इसका डिटेल तो मुझे नहीं पता कि क्यों फेल हुआ है, बहुत सी रीज़न हो सकती हैं, ये फिटर स्टाफ को पता होता है। हमने चार्ज लिया है, चार्ज हमें लेना होता है फ्यूल का और इंजन की बाकी चीज़ें जो होती हैं उनका चार्ज लेना होता है और एज इट इज़ चार्ज ही आगे देना होता है। ड्यूटी मेरी रोड़ी से लेके सम्मा सट्टा तक है। सम्मा सट्टा में मेरा रिलीव आएगा, उसको मैं तमाम चीज़ों का चार्ज दूंगा और वो इनको चेक करके फिर मुझे छोड़ेंगे। और मुझे उम्मीद थी शालीमार एक्सप्रेस से मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा बैड लग हो गया कि अभी हम पहुँचे हैं मुबारकपुर आउटसाइड थे, मीन्स डेरा नवाब से निकले हुए थे, तो हमें शालीमार क्रॉस कर गई। अब गाड़ी पड़ती है टूडोम खैबर मेल एक्सप्रेस, वो आएगी सम्मा सट्टा में 4 बजे और मेरा एक्सपेक्टेड अराइवल सम्मा सट्टा का है तकरीबन 2:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा जो है मुझे वेट करना होगा खैबर मेल का। उसके बाद खैबर मेल में बैठ के मैंने घर जाना है और इफ्तारी रास्ते में हो जाएगी मेरी। इफ्तारी मेरी मेरे ख्याल से खानपुर या रहीमिया खान के करीब होगी। खैर आपको आगे और भी जर्नी के बारे में बताते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। हुआ ये कि शालीमार नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये मालगाड़ी है और मालगाड़ी का कुछ पता नहीं होता, कभी अगर वे मिल जाए तो बिल्कुल निकल जाती है। लेकिन ड्राइवर साहब जो हैं NLC के बहुत अच्छे चला के आए, बस आधे घंटे का डिफरेंस रह गया। आधा घंटा अगर शालीमार लेट होती, अब हम शालीमार में जा रहे होते। खैर ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ड्यूटी है, इस ड्यूटी इसी का नाम है। तो चलते हैं फिर आगे और आपको थोड़े व्यूज दिखाते हैं। Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. सम्मा का स्टॉप डेट है, जिस पे स्टॉप डेट पे गाड़ी को रोक के साइन करने होते हैं। ये स्टॉप डेट इसलिए मकसूद होता है कि आगे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करके हमें 10 किलोमीटर की स्पीड से वो काशन जितना किलोमीटर में दिया होता है वो पास किया होता है। वो डाइवर्शन भी नज़र आ रही है, ये गाड़ी इतना गोल घूम के जाएगी समाए के बिन। ये था स्टॉप डेट जी, स्टॉप डेट पे सिग्नेचर कर लिए, सम्मा सट्टा आउटसाइड वाला स्टॉप डेट है और सिग्नेचर करने के बाद अब हम जा सकते हैं 10 किलोमीटर की स्पीड पे।
गाड़ी डायवर्शन से घूमती हुई पुल का एरिया क्रॉस करके सीधी हो रही है जी। गाड़ी यार्ड में एंटर हो रही है। सम्मा सट्टा के दो यार्ड हैं, एक पुराना यार्ड, यहाँ वाला जो है ये पुराना यार्ड है जिसमें गाड़ी एंटर हो रही है, और जो इस तरफ को है ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला नया यार्ड है, ये मेन लाइन है। एक्सपेक्ट किया था कि गाड़ी 2:30 बजे तक हमारी सम्मा सट्टा पहुंच जाएगी, तो 2:30 तो नहीं बजे, 3 बजे एक्चुअली। स्टॉप डेट की वजह से भी 20 मिनट उसमें लग जाते हैं, और उसके बाद गाड़ी आउटसाइड खड़ी करके 502 गाड़ी है जो उसको निकाल रहे थे, क्योंकि डाउन की लाइन क्रॉस करके फिर पुराने यार्ड में गाड़ी आती है। तो गाड़ी हमारी अब यार्ड में एंटर हो रही है, और इस टाइम 15 यानी कि 3 बज रहे हैं। एक्सपेक्टेशन सही थी। यार्ड में एंटर हो रहे हैं, ये रेलमेंट नहीं हुई भी, पुराने डब्बे हैं जिनको लाइन से उतार के खड़ा किया हुआ है। ये इधर शेड है जी, सम्मा सट्टा का शेड। ये जी गाड़ी अभी यार्ड में एंटर हो रही है पूरी गुलाई के साथ, सारी ट्रेन देखी जा सकती है। ये जो गुलाई होती है, गुलाई पे हमें गाड़ी को पीछे घूम के देखना होता है कि गाड़ी में कोई चीज़ लटक ना रही हो, कोई पत्थर वगैरह ना उड़ रहे हो, या कोई आग वगैरह ना लगी हुई हो। जी सम्मा सट्टा पहुंच गए, और गाड़ी का चार्ज भी दे दिया है। अब हम जा रहे हैं रनिंग रूम, फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा मार्केट से इफ्तारी के लिए सामान लूँगा। 4 बजे तक खैबर मिल आ जाएगी, और खैबर मिल में बैठ के इंशाल्लाह ताला फिर घर की तरफ रवाना होंगे। इंजन से उतरने के बाद लग रहा है कि गर्मी है। ये सम्मा सट्टा स्टेशन की केबिन है, 1910 में बनी थी ये, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। इलाके की ब्यूटी होती है सम्मा सट्टा, और इस साइड के जो कुछ स्टेशन्स हैं उधर मैंने देखा है कि जो बिल्डिंग्स स्टेशन्स की बनी हुई हैं वो गालिबा बहुत पुरानी हैं, और शायद सिखों के दौर की हैं या उससे ही पहले की हैं, लेकिन ये मज़ार की तरह थोड़ा गुंबद नुमा से बिल्डिंग बनी होती है। ये स्टेशन बिल्डिंग है, ये देखें दूसरी बिल्डिंग है, ये मेरे ख्याल से रेस्ट हाउस है। कभी यहाँ भी लोग आबाद थे, ये भी आबाद थे घर। ये गुंबद नुमा सी बिल्डिंग है रेलवे की, और ट्रैक मशीन खड़ी है। ये गार्ड रनिंग रूम है, और ये स्टेशन है सम्मा सट्टा का। फ्रेश हो गया हूँ जी, नमाज़ पढ़ ली है, अब मार्केट जा रहे हैं इफ्तारी का सामान लेने, और गाड़ी के आने में भी 15 से 20 मिनट हैं, तो हम सामान लेते हैं फिर उसके बाद गाड़ी में सवार होते हैं घर के लिए। तारी का सामान लेके आ गए, और ये खैबर मिल भी एंटर हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। जनाब रोज़े का टाइम हो गया है, और रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर रह गई है, मेरे ख्याल से 5 मिनट या 2-4 मिनट रह गए। सामान सब रेडी है, इफ्तारी करेंगे अभी, और रहीमिया खान पास हो रहा है। मेरा आइडिया सही था कि खानपुर रहीमिया खान के पास रोज़ा खुलेगा, तो इफ्तारी करते हैं और फिर मिलते हैं इफ्तारी के बाद। हाँ जी, तो इफ्तारी भी कर ली है, नमाज भी पढ़ ली है, 7 कबाल से हमारा डिपार्चर भी हो गया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।